क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बारहसर सऊदी नवेसी व कायद मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन नवेसी की हिदायत पर आज मजलिस के अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज कौसर मोहियुद्दीन मीर जुल्फ़िकार अली मोहम्मद मुबीन और आज नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप में आज हमने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर, राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर तीनों कमिश्नर से मुलाकात की। ये मुलाकात करने का मेन मकसद ये था कि चूँकि कल रमज़ान जैसे ही शुरू हुआ, रात में कुछ एरियों के अंदर पुलिस वालों ने होटल्स शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज़ करवाए थे, जिसके ऊपर कंप्लेंट आई, तो सदर मजलिस ने कहा कि फौरी जाकर इतला दीजिए इन लोग को ताकि ये लोग बंद ना कर सके। वजह यह है कि हर साल रमज़ान के अंदर ये जो प्रैक्टिस चलती है कि जितने मुसलमान हैं रात में शॉपिंग को निकलते हैं, सहर करने को होटल जाते हैं, उसके अलावा इफ्तार के बाद तरावियों के बाद, क्योंकि इफ्तार के बाद खाते नहीं हैं तो तरावियों के बाद भी उन लोग जैसा भी है अपना इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी कन्फ्यूजन की तरफ से 17 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में, उसमें हमारे पार्टी फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने क्लियर कट कह दिया था हुकूमत तेलंगाना को कि अब की रमज़ान में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, इसके लिए नुमाइंदगी करें। अभी कमिश्नर हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकुंडा ने हमको एश्योरेंस दे दिया है, इंशाल्लाह आज से किसी को तकलीफ नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको ये इत्तला देते हैं कि आप लोग भी अपना कारोबार करिए, मगर लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम होने मत दीजिए, रोड को जाम ऐसा मत करिए कि जिसकी तरफ से लोगों को चलने फिरने वाला हो। आप अपना कारोबार करते हुए पार्किंग वार्किंग ठीक से रखिए, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यही इत्तला देना था, बहुत बहुत शुक्रिया।